एबीपीएस न्यूज सच का साथी। दिनांक 4/5/9/2018 की रात अब्दुल हकीम पुत्र मोहम्मद यूनिस निवासी ग्राम तेंदुआ तकिया टिकुया थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के घर से लड़की की शादी हेतु खरीदे गए जेवर चांदी की पायल बिछुआ व सोने का लॉकेट अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया, जिसकी सूचना वादी ने 100 नंबर को दी। 100 नंबर की सूचना पर सक्रिय कोतवाली पुलिस द्वारा घटना कारित करने वाले गिरोह का भी सभी 6 सदस्यों में चोरी के जेवर व असला कारतूस व 2 मोटरसाइकिलों के रात्रि 3 बजे ग्राम रेगावा के पश्चिम उतरौला बलरामपुर मार्ग पर स्थित पुलिया पर दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त गणों द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि दिन में घूम फिर कर रैगी करते हैं व रात में घटना को अंजाम देते हैं। तेंदुआ तकिया में चोरी करने के बाद श्रीदत्तगंज में पूर्व से देखे गए घर में चोरी की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। अभियुक्त गण चोरी डकैती दोनों प्रकार की वारदात के लिए तैयार होकर घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए अभियुक्त गण ज्यादा संख्या में असला व कारतूस लेकर चलते हैं ताकि हर परिस्थिति में घटना को अंजाम दे सके। अभियुक्त गणों द्वारा बिगना इकोना जनपद श्रावस्ती व ललिया जनपद बलरामपुर में कई चोरी की घटनाएं किया जाना स्वीकार किया गया है। पुलिस ने 221-18 धारा 380 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। बलरामपुर से शैलेंद्र बाबू की एक रिपोर्ट। इस सूचना पे हमारी कोतवाली उतरौला की टीम 2-3 हिस्सों में बट के वो अलग क्षेत्रों में तलाश कर रही थी। उसी क्रम में ये 6 लोग जो हैं ये उतरौला बलरामपुर रोड पर एक पुलिया है रेगवा, वहाँ पे ये 2 मोटरसाइकिलों पे ये दिखे जिनको रोकने का इशारा करने पे ये भागने का प्रयास किए और एक संक्षिप्त पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई, फिर इन्हें बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया और इन मुजरिमानों के पास से जो अब्दुल हकीम के यहाँ से जो चोरी हुए थे सामान, उसमें तो सोने की जेवरात थी और चांदी की जेवरात थी जो उन्होंने अपनी पुत्री के शादी के लिए खरीदा था, वो बरामद हुए। उसके अतिरिक्त इनके पास भारी मात्रा में असलहे और कारतूस, कुल 3 तमंचे 12 बोर के, 1 तमंचा 15 बोर का और 1 रामपुरी चाकू, 1 आला मेकअप जिससे ताला वगैरह तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये सभी गिरफ्तार होगा जो है ये चोरी की वारदात जनपद बलरामपुर जनपद श्रावस्ती में किया करते हैं। इनका काफ़ी लंबा जोड़ा अपराधिक इतिहास भी है जिसमें चोरी डकैती सभी शामिल हैं। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।